राधे माँ को आगे देखिए, राधे माँ का मामला जो है, पहली बात है कि जूना अखाड़े का मामला है, उन पे कोई अपराध किसी प्रकार का न प्राप्त नहीं पाया हमारे पास। अनेक प्रकार की मैंने जांच कराया पर कहीं उन पे कोई क्रिमिनल मुकदमा नहीं लगा है। बाकी कुछ जो द्वारा आप लोगों द्वारा प्राप्त हुआ, उनको अनेक प्रकार की हमारी जो वार्निंग होती है, समझाने बुझाने के जो कार्रवाई होती है कि हम लोग तोड़ते नहीं हैं, जोड़ते हैं। इसलिए हमारी नीति के अनुसार मैं किसी को अपने से अलग मान, अरे जब हम दोनों पक्षों में वार्तालाप की बात करते हैं तो हम सनातनियों कैसे तोड़ सकते हैं? उनको बहाल हो गया, मतलब जूना अखाड़ा बहुत पहले बहाल कर चुका है। अखाड़ा परिषद से बातचीत हमारी चल रही है, इनको आज हमने बताया कि जूना अखाड़े इनको बहाल कर दिया। पायलट बाबा को भी बहुत पहले हमने बहाल कर चुके हैं। तो क्या साथ कुंभ में दोनों लोग कुंभ में आएंगे जूना अखाड़े की तरफ? जूना अखाड़े में देखिए, चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हैं, जो लोग हमसे जुड़े हुए थे उन पे किसी प्रकार का भी कोई व्यवस्थाएं थी वो कोई साबित नहीं हुआ। हरिद्वार में पायलट बाबा के जुलूस में कुछ घटना दुर्घटना हुई जो अपने शब्द से मैं नहीं बोल सकता हूँ। उस पे जूना अखाड़ा बहुत गंभीर रूप से विचार किया था कि आप उसको करें, इसलिए पायलट बाबा के ऊपर कार्रवाई किया गया था। इसलिए मतलब कुछ और जो मामला है उसमें पूरी तरह से मतलब कार्रवाई किया गया। क्या राधे माँ, पायलट बाबा, पेशवा बाबा, पेशवाई में शायद नाम में शामिल होंगे? जब उनकी इच्छा होगी तो, हमारा कहने का अर्थ है तो उनकी इच्छा है। घर में कुछ खटपट होती, सगा माँ बाप, सगा घरवाली कभी कभी नहीं मानती है, इसलिए हम लोग तो दूसरे प्राय मामले होते हैं, उनकी इच्छा हो तो आ सकते। आप लोगों की तरफ से रोक नहीं है? दोनों बहाल हो गए। जमीन बंटवारे को लेकर आप दोनों का घर वापसी हो चुकी है।